कांग्रेस मुंबई अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ के मार्गदर्शन में मुंबई के कांदिवली पूर्व विधानसभा में मुंबई न्याय यात्रा का आयोजन मुंबई उपाध्यक्ष डॉक्टर अजंता यादव और उत्तर मुंबई कार्यकारी अध्यक्ष राजपति यादव के नेतृत्व में आयोजित किया गया। यात्रा की शुरुआत रानी सती मार्ग से की गई। मुंबई न्याय यात्रा में कांग्रेस मुंबई अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़, विधायक असलम शेख, जिला अध्यक्ष कालू बुधेलिया व बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में वर्षा गायकवाड़ ने कहा, इस देश में आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज हम महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। मुंबई का हर रास्ता, हर गली में बच्ची सुरक्षित हो, ये हमारी मांग है। डॉक्टर अजंता यादव ने कहा, आज हमारी ये महिला न्याय यात्रा है। दिन पर दिन महाराष्ट्र पवन धरती है, लेकिन आज इस धरती पर क्या हो रहा है? घोर अन्याय हो रहा है और ये अन्याय की जवाबदारी हमारी मौजूदा सरकार की है। महिलाओं के सम्मान में, कांग्रेस मैदान में, महिलाओं के सम्मान में, कांग्रेस मैदान में। राष्ट्रपति की सावित्रीबाई फुले जो महाराष्ट्र की सुनौली रही है, उनके नाम पे जाना जाता है। इस देश में आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज का हम न्याय मांग रहे हैं, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए सुरक्षित महाराष्ट्र देना। आज हम मुंबई में उतरे हैं। मुंबई का हर सड़क, हर रास्ता, हर गली सुरक्षित हो, यही हमारी बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए आज की। बदलापुर की घटना हो या फिर बंगाल की घटना हो, इस घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? बदलापुर की घटना हो, वेस्ट बंगाल की घटना हो, मणिपुर की घटना हो या मुंबई में किसी भी सड़क पर होने वाली घटना हो, हम महिलाओं के सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, बच्चियों के सुरक्षा की बात कर रहे हैं। पूरे मुंबई शहर में जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता राहुल गांधी का कन्याकुमारी से कश्मीर तक, फिर मणिपुर से मुंबई तक जो उन्होंने एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसी के तर्ज पर हमारी मुंबई अध्यक्ष आदरणीय वर्षाताई गायकवाड़ जी के नेतृत्व में पूरे मुंबई शहर में हर विधानसभा में न्याय यात्रा मुंबई न्याय यात्रा के नाम से निकाली जाए। अब तक कम से कम 14 से 15 विधानसभा में हो चुका है। मुंबई न्याय यात्रा का मेन उद्देश्य है कि जो अब तक रोड पे खड्डे के खड्डे पे रोड है, वो आज तक पता नहीं था, पता है कि कहाँ हो रहा है। लोगों की महंगाई की मार इतनी है, ट्रैफिक की समस्या इतनी है, पानी की समस्या इतनी है, मुंबई में रेलवे की स्थिति जैसी थी वैसी ही है। आज मुंबई शहर बोरीवली से चर्चगेट जाना है, चर्चगेट से बोरीवली आना हो, 4 घंटा लग जाते हैं। पूरे 10 साल में ये जो एनडीए सरकार थी, 3 इंजन की सरकार है, 3 इंजन इसके लिए बोलता हूँ, केंद्र में उनकी, राज्य में उनकी, महानगर पालिका में उनकी सरकार है, आज तक ट्रैफिक के समस्या पे समाधान नहीं हुआ। लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिलता, गंदा पानी मिलता है, 1 से 1.5 घंटा पानी मिलता है। ये सारी समस्याओं को न्याय दिलाने के लिए, मुंबई वासियों को न्याय दिलाने के लिए वर्षा गायकवाड़ जी के नेतृत्व में हर विधानसभा में मुंबई न्याय यात्रा निकाली जा रही है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्या कांग्रेस जनता के बीच जाने का ये काम कर रही है न्याय यात्रा को लेकर या फिर और भी? नहीं नहीं, ये थोड़ा सा आप लोग गलत बोल रहे। कांग्रेस हमेशा जनता के बीच में रही है और आप लोगों ने, बहुत से सारे लोगों ने देखा होगा, हमेशा कार्यक्रम होता। हम चुनाव देख के राजनीति नहीं करते हैं, हम चुनावी मेढक नहीं रहे, हम कांग्रेस के लोग हैं। 125 साल पुरानी पार्टी है, हमारी एक विचारधारा, उस विचारधारा को लोगों तक पहुंचाते हैं। चुनाव तो जीवन में आते जाते रहेंगे, हर 2 साल के बाद चुनाव, तो चुनाव को लेकर के हम कभी एक्टिव नहीं, हम बिना चुनाव का काम करके लोगों की सेवा करते हैं। न्याय सरकार से मांग रहे, जो न्याय देने की बात कर रहे थे कि बहुत ही महंगाई की मार, कहां गई महंगाई कम, जो भ्रष्टाचार है उससे न्याय मांग रहे हैं, जो अडानी और अंबानी के नाम पे हो रहा है, पहले आप एयरपोर्ट पे जाओ 10 मिनट फ्री था, आधा घंटा फ्री था, आप गए और निकले 240 रुपया भरना पड़ रहा है, प्लेटफॉर्म का टिकट जो 5 रुपये में थे 50 रुपया हो गया। सबसे बड़ी बात, कोरोना महामारी में ट्रेनों का भाड़ा बढ़ाया उन्होंने, कि कोरोना महामारी में कोविड में ट्रेन का भाड़ा बढ़ा, आज तक तो ट्रेन का भाड़ा बढ़ा हुआ है, ट्रेन का जो टिकट का फेयर स्लीपर का चार्ज वो आज तक बढ़ा हुआ है। इसमें वो नहीं बोलती है महंगाई क्या, जो 400 का सिलेंडर था 1100 रुपए में सिलेंडर हो गए, और वो बोलते हैं कि
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज जहां भी बीजेपी की सरकार है, जहां भी उनकी सपोर्टिंग सरकार है, वहां पे महिलाएं सुरक्षित नहीं। आप दो दिन पहले बदलापुर का देख लीजिए, पूना का देख लीजिए, हर जगह पे बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। इनके विधायक इन्वॉल्व हो जाते, इनके मंत्री देश में इन्वॉल्व हो जाते, तो कहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। कैंसिल किया था और आपने रिपोर्टिंग किया, आपने कहा मेरा चैनल बंद है। किस मीडिया ने दिखाया आपका चैनल? किसी ने नहीं दिखाया। तो आप किससे अपेक्षा करोगे? सबसे पहले मैं हमारी आदरणीय अध्यक्षा वर्षाताई गायकवाड़ को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने जो ये संकल्पना दी है मुंबई को, मुंबई न्याय यात्रा के लिए, लेकिन आज हमारी ये न्याय यात्रा आप देख रहे हो, ये महिला न्याय यात्रा है, क्योंकि दिन भर दिन इस महाराष्ट्र की पावन धरती पे, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, गौतम बुद्ध, हमारे वीर जवानों ने जो बलिदान दिया हमारे इस देश के लिए, हमारे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इसी तरह बहुत वीरों ने हमको ये देश दिया है, हमको ये महाराष्ट्र की पावन धरती दी है। लेकिन इस धरती पे आज क्या हो रहा है? घोर अन्याय हो रहा है, और ये अन्याय के जवाबदार हमारी मौजूदा भाजपा सरकार है। हम उसका धिक्कार कर रहे हैं, धिक्कार है भाजपा सरकार पे, जिन्होंने महिलाओं पे इतना अत्याचार किया और उस अत्याचारी और आरोपी पे सजा भी सुनाने की उनके पास हिम्मत नहीं है, शर्म है ऐसी सरकार पे। आज आप देख रहे हैं हमारे बीच हमारी सभी महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं। आज हम वर्षाताई के लिए यहाँ रुके हुए हैं। ये न्याय यात्रा न्याय मांगने के लिए मुंबई में निकाली जा रही है। बेरोजगारी के खिलाफ हम, अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, महंगाई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, महिला अत्याचार के खिलाफ उठा रहे हैं। तो आज का जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य है कि जो जो अत्याचार भाजपा सरकार हम पे कर रही है, उसके खिलाफ आदरणीय वर्षाताई गायकवाड़ जी, हमारी मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा, उनके नेतृत्व में आज पूरे मुंबई में हर गली हर चौक पे हम आवाज उठा रहे हैं, हमारे आम जनता के लिए, हमारे आम जनता की न्याय की आवाज उठाने के लिए हम आज यहाँ पे मलाड में, मेरी कांदिवली विधानसभा में, पासपोर्ट ऑफिस से लेके चौक चौक पे सभा करते हुए जितेंद्र रोड पे पहुंचेंगे। हम हमारी आदरणीय वर्षाताई का धन्यवाद करना चाहते हैं कि एक महिला में इतनी ताकत हो सकती है, इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो देश को हिला सकती है। हम उसके लिए आज ये प्रण लेते हैं कि हम लड़ते रहेंगे और जरूर जीतेंगे। न्याय यात्रा कहां से कहां तक निकाली गई? न्याय यात्रा पूरे मुंबई में निकाली गई है, लेकिन आज वर्षाताई गायकवाड़ हमारे बीच आ रही है बस थोड़ी समय में।